नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। कल रात्रि में कह सकते हैं कि मलसलामी थाना क्षेत्र के स्थान पर बतला देना चाहता हूं। यहां पर जब देखिएगा तो ये गुरु के बाग ये रास्ता चले जाती है। दीना आयरन के कर्मचारी को अज्ञात अपराध कर्मियों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। आनंद फानन में उन्हें तत्काल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब सवाल होता है क्या कि क्या पटना सिटी में चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद फिर से अपराधियों का ग्राफ चरम पर है। इस पूरे मौके पर थाना अध्यक्ष क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन रात्रि के पहर का अगर वीडियो आप देखिएगा तो काफ़ी प्रशासन दल बल के साथ उपस्थित थे और तरह तरह जगह जगह जाकर स्थानों का मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त अभी हम हैं दिन के करीब 12 घंटा बीत जाने के बाद यहां पर। अब चूंकि हत्या का मामला है और जब देखिएगा तो तमाम जो सीसी एंगल सीसी फुटेज जहाँ जहाँ कैमरा लगी वहाँ पर थाना अध्यक्ष हो या फिर SDPO पटना सिटी खंड 2 के डॉक्टर गौरव कुमार जी विभिन्न स्थानों पर मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं थाना अध्यक्ष, उनकी बात को सुनते हैं। सर, घटना के 12 घंटा हो गया है, क्या अभी तक हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका खुलासा हो जाएगा जी। अब सभी एंगल से उसका हर जगह जितने भी CCTV कैमरे हैं जहां से वो चले हैं और जहां घटना हुई है उस सबको खंगाला जा रहा है, पूरी टीम उसमें लगी हुई है। क्या कुछ क्लू वगैरह सर? क्लू हो जाएगा, आ जाएगा 1 से 2 दिन में, बहुत जल्दी हम लोग इस कांड का खुलासा कर रहे हैं। हाँ, SDPO सर आके एक एक अपना घटना स्थल और सभी जगह देख कर और निर्देश दिए हैं और उनके निर्देशन में टीम हमारी काम कर रही है। इस घटना के लगभग 12 घंटा बीत जाने के बाद अब चूंकि पुलिस के नज़र में अब तमाम तरह से जो छानबीन हो रही है उस पर गौर कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं गुरु के बाग के पास है, यहाँ भी मसलामी थाना अध्यक्ष है यहाँ पे, और इसके पूर्व में SDPO पटना सिटी खंड 2 के डॉक्टर गौरव कुमार जी यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं वहाँ पर CCTV फुटेज का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है ढूंढने का अपराध कर्मियों को। और इन्होंने खुद बताया है कि 1 से 2 दिनों में जल्द अपराधियों तक पहुँच जाएंगे। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।